हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो एक रियल बिजनेस में GST सेल्स इनवॉइस वाउचर, GST सेल्स रिटर्न वाउचर और उसी कंपनी में सेल्स प्रमोशन के लिए किसी एम्प्लॉयज़ को या कस्टमर को इंसेंटिव, बोनस या अगर किसी भी प्रकार की अदर कोई स्कीम दी जाती है तो उस इंसेंटिव और बोनस के अगेंस्ट में कौन सा वाउचर बनाना पड़ता है और वो वाउचर बनता कैसे है और उसी वाउचर की टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल रूप से एंट्री कैसे मेंटेन होती है। तो फ्रेंड्स, आज ये सब कुछ हम बिजनेस के रियल वाउचर से ही प्रैक्टिकल रूप से एंट्री करना सीखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से रियल बिजनेस में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वाउचर्स के साथ अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है ये आपको बहुत ही आसान और हिंदी भाषा में बताएंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, हमारे सामने कुछ ये सेल्स इनवॉइस है, हम इन्हें GST टैक्स इनवॉइस भी बोल सकते हैं या इनवॉइस कम बिल्स ऑफ सप्लाई भी लिखा हो सकता है या केवल टैक्स इनवॉइस भी हो सकता है या केवल GST टैक्स इनवॉइस भी लिखा हो सकता है। ये हमारा इनवॉइस नंबर है। तो इसी तरीके से हमारे सामने ये 4 नंबर इनवॉइस है, ये हमारे सामने 5 नंबर इनवॉइस भी है और इसी तरीके से 6 नंबर इनवॉइस भी है और ये एक क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न का वाउचर हमारे सामने है। तो इन टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल रूप से इनकी एंट्री कैसे की जाती है आज हम ये सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जब हम टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी अकाउंटिंग वाउचर की जब एंट्री करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम टेली के होम पेज के गेटवे ऑफ टेली के ट्रांजेक्शन मेन्यू के अकाउंटिंग वाउचर्स के फीचर को इंटरप्रेस करना होता है। मैं इंटरप्रेस करता हूं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और अब हमें सेल्स वाउचर की एंट्री करनी है। तो सेल्स वाउचर एंट्री की जो शॉर्टकट कमांड है वो होती है F8, या हम यहां से शॉर्टकट फंक्शन पे क्लिक करके भी हम सेल्स वाउचर पे जा सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं F8, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा यह सेल्स वाउचर का। और यहाँ पर जो हमें नंबर पूछ रहा है इसके लिए हम वाला इनवॉइस का नंबर हम टाइप करेंगे। हमारा इनवॉइस का जो नंबर है 004, यानी कि हम 003 तक ऑलरेडी इसकी एंट्री कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे 003 अगर दोबारा एंटर टाइप करूँगा तो कुछ इस तरीके से हमें वार्निंग भी दे देगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यानी कि आप ये ऑलरेडी वाउचर है जो पोस्टिंग कर चुके हो। तो इसके लिए मैं यहाँ से 004 करूँगा और यहाँ पर डेट, अब वाउचर किस डेट का है अब डेट देखेंगे 2 मई 2020 की, और हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो डेट आ रही है प्रेजेंट टाइम में वो 3 मई 2020 की है। तो हम डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 और यहाँ पे 25 इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछेगा रेफरेंस नंबर, हम रेफरेंस नंबर में हमारा वाउचर नंबर ही टाइप कर देंगे और पार्टी अकाउंट्स नेम यानी कि हमने वो इनवॉइस किससे सेल किया है, तो हमारा सेल्स इनवॉइस है मुकेश कुमार को, यानी कि बायस मुकेश कुमार है और सेलर कौन हो गया श्री श्याम ट्रेडर्स, और हमारी जो कंपनीज है वो श्री श्याम ट्रेडर्स है। तो हम कस्टमर नेम में टाइप करेंगे मुकेश कुमार और इंटर प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड, आप यह पूछेगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, अब सेल्स लेजर के लिए हमें कौन सा लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जब हमने परचेज वाउचर की एंट्री करी तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे परचेज वाउचर के संबंधित भी सामने आया था, लेकिन अब सेल्स वाउचर के सामने भी ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अब इस ऑप्शन को हम यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये होता है सिंगल मोड एंट्री। क्योंकि जब हम किसी भी अकाउंटिंग वाउचर में अगर एक ही टाइप का अगर प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, यानी कि किरियाना गुड्स है और किरियाना गुड्स में टोटल हमारे 5% GST के ही प्रोडक्ट हैं, तो हम केवल यहाँ से GST 5% सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे सेल्स इनवॉइस में डिफरेंट टाइप की GST रेट है और डिफरेंट टाइप की कॉमोडिटी है तो ये फंक्शन हम यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके लिए हम डबल मोड को सिलेक्ट करेंगे। तो इसको फंक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से F12 प्रेस करूँगा, यानी कि उस वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करने के लिए, और इस कॉन्फ़िगरेशन में हम सेलेक्ट करेंगे यूज़ कॉमन लेजर। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला यूज़ कॉमन लेजर, ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यस है तो हम इसे नो करेंगे। यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, यानी कि आप प्रत्येक आइटम के लिए एक ही लेजर यूज़ करना चाहते हो क्या, लेकिन हमें एक ही लेजर यूज़ नहीं करना, हमारी कॉमोडिटी वाइज हम अलग अलग लेजर सेलेक्ट करेंगे और उसको मैं एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से वो सेल्स जो लेजर अभी आ रहा था वो अब यहाँ से हट चुका है। अब नेम ऑफ आइटम, अब नेम ऑफ आइटम में
हमारा सेल्स इनवॉइस वाउचर हम देखेंगे। तो पहली आइटम हमारे सामने है निखार हेयर ऑयल 450 ml। तो हम टैली में से भी सिलेक्ट करेंगे निखार हेयर ऑयल 450 ml। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 14 पीसेस, हम यहाँ पे टाइप करेंगे 14 पीसेस। जो 14 लिखेंगे तो पीसेस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी कि हम यहाँ पर जो रेट लिखेंगे उस रेट में GST शामिल होएगा। लेकिन अब हमारे सामने जो ये सेल्स वाउचर है और इस पे जो रेट लिखा हुआ है 118 रुपये 64 पैसे, ये टैक्सेबल रेट है, यानी कि इस 118 रुपये 64 पैसे में 18% की जो GST है वो शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये टैक्सेबल रेट हो गया। तो टैक्सेबल रेट को हम यहाँ से प्रेस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले जो रेट का ऑप्शन जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 118 रुपये 64 पैसे और इंटर प्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरीके की अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी 1660 रुपये और 96 पैसे, और वही अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी। तो हम इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे से ये चीज़ का लिस्ट ऑफ जो सेल्स लेजर वहाँ पे आ रहा था वो वहाँ से हटके यहाँ पर शो होएगा। और इस सेल्स वाउचर में से, इस लिस्ट में से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कॉमोडिटी किस टाइप की है और उस कॉमोडिटी से संबंधित कौन सा लेजर हमने क्रिएट कर रखा है। तो फ्रेंड, ये ट्रेडिंग लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें एंट्री करने से पहले। अब हमें पता होता है अभी निखार हेयर ऑयल में हमने इसको कॉमोडिटी कॉस्मेटिक की ले रखी है और ये प्रोडक्ट जो GST 18% का प्रोडक्ट है, तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कॉस्मेटिक गुड्स GST 18%। अब एक हमारे सामने है लोकल और एक है IGST। अब हमें ये चीज़ सेलेक्ट करना है भी हम IGST को सेलेक्ट करेंगे या लोकल को करेंगे। लेकिन हमें पता है हमारा जो कस्टमर है वो लोकल का ही है, यानी कि हमने प्लेस ऑफ सप्लाई जो राजस्थान में करी है, तो इसलिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लोकल को। अगर ये आउट ऑफ स्टेट का होता तो हम IGST सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आइटम है वॉल पेन 400 mm। हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे वॉल पेन 400 mm और इसकी क्वांटिटी है 7 पीस। और इसका जो टैक्सेबल रेट है, अगर हम एक का रेट अगर यहाँ पर डालेंगे 1177 रुपये 97 पैसे, तो यहाँ की जो इसकी बेसिक अमाउंट बनेगी 7 पीस की ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अगर यहाँ पर हम इस अमाउंट में ये नेट अमाउंट इसकी अगर डाल दे, यानी कि जो टैक्सेबल 7 पीसेस की जो बनी है 8245 रुपये और 79 पैसे, अगर इस अमाउंट को डालेंगे तो पर पीस की अमाउंट वो ऑटोमेटिक ही उठा लेगा। आपको दिखाता हूँ 8245 रुपये और 79। जैसे मैं इंटरप्रेस करूँगा, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट्स है और इस पर भी 18% की GST लगती है। तो अब इलेक्ट्रिकल गुड GST 18% लोकल की ही सेल करेंगे। तो इसी तरीके से शुगर और इसकी जो क्वांटिटी है 12 kg और इसकी अमाउंट है 434 रुपये और 28 पैसे। और अब ये हमारे सामने किरियाना गुड्स का प्रोडक्ट है और GST है इस पर 5% की। तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे किरियाना गुड्स GST 5% सेल लोकल की। तो नेक्स्ट आइटम सिस्का LED बल्ब और ये 5 वाट का, तो हम इसमें 5 वाट सेलेक्ट करेंगे और इसकी क्वांटिटी है 5 पीसेस और इसका जो रेट है 424 रुपये और 10 पैसे। हम यहाँ पे अगर फिगर डालेंगे तो एक अमाउंट का वो ऑटोमेटिक ही उठा लेगा यहाँ पे पर पीस का। और ये इलेक्ट्रिकल गुड GST 12% का प्रोडक्ट है, तो सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल गुड GST 12% सेल लोकल का। इसी तरीके से टाटा साल्ट नेक्स्ट आइटम हमारे सामने और इसकी क्वांटिटी है 4 पीस और इसका एक रेट है 13 पीस। अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो भी इसकी नेट अमाउंट है जो 13 ही रहनी है, क्योंकि ये GST टैक्स फ्री का प्रोडक्ट है। अब हमें यहाँ से इस इनवॉइस से भी पता चलेगा, क्योंकि इस पर GST रेट ऑलरेडी दे रखा है स्टॉक आइटम के आगे भी, इस स्टॉक आइटम पे कितने परसेंट का GST लगता है। और टाटा साल्ट पे 0%, यानी कि ये टैक्स फ्री का प्रोडक्ट है। तो हम इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम लेजर सेलेक्ट करेंगे किरियाना गुड GST फ्री सेल्स का और इंटरप्रेस करेंगे। अब हमें टैक्स लगाने के लिए हम एक बार इंटर और प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लेजर के ऑप्शन पर आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेल के लिए आउटपुट CGST टैक्स, परचेज के लिए हम इनपुट CGST टैक्स सेलेक्ट करते हैं और सेल के लिए आउटपुट CGST टैक्स और एक आउटपुट SGST टैक्स। तो इस तरीके से हमारे सामने ये दोनों टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ये जो टैक्स की जो कैलकुलेशन हुई है, अब इसके अंदर जो हमारे सामने 5% का प्रोडक्ट है या 12 का है या 18 का है, वो सारे इसमें इंक्लूड है। तो इसी तरीके से जो 3 पैसे हमारे सामने राउंड ऑफ है, तो हम इसको यहाँ पे एक राउंड ऑफ का लेजर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और इसमें हम 3 पैसे यानी कि प्लस करने हैं
राउंड ऑफ पूरा करने के लिए, तो 0.03 करेंगे तो ये पूरी जो इसकी नेट अमाउंट है वो राउंड फिगर से हट जाएगी। यानी कि अभी जो 97 पैसे आ रहे थे, हमने 3 पैसे प्लस करके 12,673 रुपये का पूरा इसको इनवॉइस तैयार कर दिया। और वही हमारे सामने सेल्स इनवॉइस की भी वाउचर की फिगर आ रही है, तो मैं इसको एंटर एंटर प्रेस करूंगा। अगर इस नरेशन में इसी इनवॉइस से संबंधित किसी भी टाइप की अगर कोई भी विवरण, अगर इसकी डिटेल लिखनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने मुकेश कुमार को सेल किया है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको सामान भेजा है, या जिस ट्रक के थ्रू भेजा, उसका गाड़ी का नंबर, उसका गाड़ी का ट्रक का नंबर जो भी है वो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसको एंटर एंटर प्रेस करके मैं एक्सेप्ट यानी कि सेव कर दूंगा मैं। तो इसी तरीके से 4 नंबर इनवॉइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 5 नंबर इनवॉइस यहाँ पे लिखना है। तो अगर हमें अभी ये नहीं पता भी हमने पिछला इनवॉइस है जो कितने नंबर इनवॉइस की एंट्री करी है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो हम ये भी बता देगा भी पिछला इनवॉइस आपने 4 नंबर टाइप कर दिया है। हम इसको 4 से हटा के हम 5 नंबर इनवॉइस करेंगे और यहाँ पर भी हम 005 टाइप करेंगे। और हमारा जो 5 नंबर इनवॉइस है वो अजय ट्रेडिंग कंपनी का। अभी अजय ट्रेडिंग कंपनी है जो आउट ऑफ स्टेट, यानी कि हमने प्लेस ऑफ सप्लाई है वो पंजाब का है, यानी कि हमने आउट ऑफ स्टेट इसको सेल किया है। तो अब हमारे लिए अब इसमें IGST वर्ड यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर हम अजय ट्रेडिंग कंपनी, अब अजय ट्रेडिंग कंपनी का लेज़र हमारे सामने यहाँ पे नहीं शो रहा है, तो हम शॉर्टकट Alt+C करके यहाँ से टाइप कर देंगे अजय ट्रेडिंग कंपनी। तो ये हमारा कस्टमर है, कस्टमर को हम सैलरी डेबिटर्स में सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका एड्रेस भी हम टाइप करेंगे। और ये रजिस्टर्ड पार्टी है तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं पंजाब का है ये, और इसका कंट्री इंडिया, स्टेट हम इसको पंजाब। अब हमें इसको पंजाब सेलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे राजस्थान लिख देंगे तो ये IGST टैक्स कैलकुलेशन नहीं करेगा, अगर हम पंजाब करेंगे तो ये जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो IGST ही दिखाएगा। तो ये रेगुलर पार्टी है या नहीं अब हमें नहीं पता, लेकिन इसके पास GST नंबर ज़रूर है, तो हम इसका GST नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे 03। अब हम वेरीफाई के लिए बोल रहे हैं, हम इसको एक बार वेरीफाई नहीं करेंगे और इसको मैं एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करूँगा। अब नेम ऑफ आइटम में पहली जो आइटम है दंत कांति टूथपेस्ट, और इसका जो क्वांटिटी है वो 4 पीस, और इसका जो एक रेट है जो 74 रुपये और 58 पैसे, और इंटर सेलेक्ट करेंगे तो हमें लेज़र लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से कौन सा लेज़र हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें कॉमोडिटी देखनी पड़ेगी, यानी कि ये कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है और GST 18% इस पर टैक्स लगता है, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कॉस्मेटिक GST 18%। अब हम IGST वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी कि IGST वाला लेज़र ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट हम इसको सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से सर्स की इसकी क्वांटिटी है 7 पीस, और टैक्सेबल इसका जो रेट है पर पीस का 334 रुपये और 82 पैसे। और अब ये किरियाना गुड्स का GST 12% का प्रोडक्ट है, तो अब इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे किरियाना गुड्स GST 12% और IGST लोकल का हम यूज़ नहीं करेंगे इस वक्त। और नेक्स्ट आइटम शुगर, और इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे 60 kg, और इसका एक का जो रेट है 40 रुपये और 95 पैसे। एंटर, हम जैसे एक बार इंटर प्रेस करेंगे तो इसने ऑलरेडी किरियाना गुड्स GST फ्री लोकल वाला जो लेज़र है सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन अब हमें यहाँ से लोकल को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने आउट ऑफ स्टेट सेल की है, तो हम किरियाना गुड GST 5% IGST जो लेज़र है वो सेलेक्ट करेंगे, अब हम लोकल को सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से वॉल फैन 400 mm गरे, और इसकी क्वांटिटी 2 पीस और 1194 रुपये और 92 पैसे। और ये हमारे इलेक्ट्रिकल गुड्स का 18% का प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिकल गुड GST 18% IGST सेल। तो इस तरीके से ये टोटल जो स्टॉक आइटम है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इंटरप्रेस करके अब आउटपुट IGST टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो टैक्स की अमाउंट है वो हमारे इस वाउचर्स के साथ भी मैच हो रही है 887 रुपये और 97 पैसे, और हमारे सामने भी यहाँ पर 887 रुपये और 97 पैसे। और अब इसमें
13 पैसे राउंड ऑफ किया इस अमाउंट को पूरा करने के लिए। तो हम एंटर प्रेस करेंगे और राउंड ऑफ का लेजर सेलेक्ट करेंगे और 0.13। तो इस तरीके से जो नेट अमाउंट है वो राउंड फिगर से हट के एग्जिट फिगर इसकी बन जाएगी और इसको हम एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हमारे सामने ये 6 नंबर इनवॉइस भी है। हम इसको यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो जो पिछला बिल है वो रिपीट हमें दिखा देगा और इसको हम 6 करेंगे और इस इनवॉइस की जो डेट है वो 3 मई है। तो हम इसको कीबोर्ड से F2 प्रेस करूँगा और 3/5 और ये इनवॉइस हमारा कैश का यानी कि हमने नगद सेल किया है, कैश करेंगे। अब आउटपुट CGST और SGST टैक्स है, इसका मतलब हमने लोकल में ही इसको सेल किया है। तो हमारी आइटम है क्लिनिक प्लस और क्वांटिटी इसकी 12 पीस और इसका जो टैक्सेबल रेट आ रहा है 100 रुपये। और ये हमारे पास कॉस्मेटिक 28% का प्रोडक्ट है। अब हमारे सामने कॉस्मेटिक 28% का ट्रेडिंग लेजर यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो हम Alt+C से ये क्रिएट कर देंगे। कॉस्मेटिक गुड्स GST 28% सेल लोकल और ये हमारा अंडर में रहेगा सेल्स काउंट के। GST इस पर एप्लीकेबल रहेगी और सेट GST डिटेल हम अगर हम लोकल का अगर लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर IGST का लेजर यूज़ करेंगे तो इसमें कुछ हमें मॉडिफाई करना होता है। तो इसी तरीके से सेकेंड आइटम से इसका LED बल्ब 25 वाट और 18 पीस की क्वांटिटी है और इसका जो टैक्सेबल रेट है 102 रुपये और 68 पैसे। और ये हमारे इलेक्ट्रिकल GST 12% का प्रोडक्ट है तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12% सेल लोकल। और नेक्स्ट आइटम हमारे सामने शुगर और शुगर की क्वांटिटी है 200 kg यानी कि 2 क्विंटल और टैक्सेबल रेट इसका 40 रुपये। और ये हमारी किराना गुड GST 5% की सेल है तो हम इसी में सेलेक्ट करेंगे किराना गुड GST 5% सेल लोकल की। नेक्स्ट आइटम निखार हेयर ऑयल 100 ml क्वांटिटी इसकी 20 पीस और एक का रेट टैक्सेबल रेट 44 रुपये और 7 पैसे। और ये हमारे पास कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट्स हैं और GST इस पर 18% की लगती है तो हम कॉस्मेटिक GST 18% सेल लोकल को सिलेक्ट करेंगे। और टाटा साल्ट 4 पीस और 14 रुपये इसका एक का रेट है यानी कि ये टैक्स फ्री प्रोडक्ट है तो हम किराना गुड GST टैक्स फ्री इसके अंदर सेल में इसको ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने टोटल स्टॉक आइटम कंप्लीट हो चुकी है और हम टैक्स लगाने के लिए एक बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आउटपुट CGST टैक्स और आउटपुट SGST टैक्स। तो इस तरीके से 13,102 रुपये का इनवॉइस हमारे सामने बन चुका है और ये भी 13,102 रुपये का फाइनल फिगर आ चुकी है और इस इनवॉइस की भी 13,102 रुपये 8 पैसे ही है। तो मैं इसको एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से हमारे सामने टोटल ये सेल्स वाउचर की एंट्री प्रैक्टिकल रूप से इस तरीके से की जाती है कंपनियों में, चाहे किसी भी टाइप का वो बिजनेस है, चाहे छोटे लेवल का बिजनेस है, चाहे वो हाई लेवल का बिजनेस है, प्रैक्टिकल रूप से ये एंट्री होती है। और जो हमारे सामने नेक्स्ट वाउचर था क्रेडिट नोट का यानी कि सेल्स रिटर्न का, अब मुकेश कुमार ने ये 2 प्रोडक्ट है वापस किए हैं तो हमारी तरफ से ये क्रेडिट नोट हो जाएगा। तो क्रेडिट नोट के लिए हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल F8। अब यानी कि F8 के नीचे जो डबल लाइन है हम इसको कंट्रोल के साथ यूज करते हैं या हम शॉर्टकट इस पर क्लिक करके भी हम क्रेडिट नोट के वाउचर पे जा सकते हैं। तो हमारे सामने एक क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा और जो क्रेडिट नोट का जो वाउचर है वो SR1 यहाँ पे पता चलेगा हमें क्रेडिट नोट नंबर। और जब हमने सेल्स इनवॉइस बनाया था तो उस कंडीशन पे यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा होता है और जहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा होगा इसका मतलब वो सेल्स का इनवॉइस है SR1। और इसकी जो डेट है वो भी 3 मई है तो यहाँ पर भी हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यानी कि हमने जो सेल्स रिटर्न हुई है इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था। अब इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था 004 नंबर तो हम इसको 004 सेलेक्ट करेंगे और वो 1 मई का बिल था, सॉरी वो 2 मई का बिल था
तो हम इसको यहाँ पे डेट जो डालेंगे वो 2 मई ही करेंगे। और यहाँ पे हम कस्टमर का नाम किसने रिटर्न किया है, मुकेश कुमार ने। अब नेम ऑफ आइटम क्या रिटर्न किया है, निखार हेयर ऑयल 450 ml, तो निखार हेयर ऑयल 450 ml। और इसकी जो क्वांटिटी है 2 पीस, और 118 रुपये 64 पैसे जिस रेट से हमने इसको सेल किया था उसी रेट से हम इसका वापस करेंगे। और अब यहाँ पर हम लेज़र क्रिएट करेंगे जो हमारी सेल्स रिटर्न का जो लेज़र है, यानी कि कॉस्मेटिक, ये हमारा 18% का प्रोडक्ट है, तो हमको एक कॉस्मेटिक गुड GST 18% सेल्स रिटर्न का एक नया लेज़र क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड से सेलेक्ट करेंगे Alt+C, और यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करेंगे कॉस्मेटिक गुड्स GST 18% सेल रिटर्न, यानी कि हमारी ये सेल्स वापस आए। अंडर में ये सेल्स काउंट ही रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। लोकल की अगर रिटर्न है तो इसमें एल्टर GST की डिटेल को सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, और एंटर इंटरसेप्ट करके आगे आएंगे। जो नेक्स्ट आइटम है इसका LED वाला 5 वाट, और इसकी क्वांटिटी है 1 पीस, तो 84 रुपये और 82 पैसे के हिसाब से इसको सेल किया था और उसी रेट से हम वापस करेंगे। तो ये हमारे सामने एक इलेक्ट्रिकल गुड की सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पर हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12% सेल रिटर्न, अंडर में सेल्स काउंट रहेगा, GST इस पर एप्लीकेबल रहेगी, डिटेल हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी लोकल की ही सेल थी। तो इस तरीके से 2 स्टॉक आइटम वापस आ चुकी है, हम इंटरप्रेस करेंगे। और अब जो टैक्स लगाएंगे हम, इनपुट टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आउटपुट टैक्स ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हमने इसको सेल्स किया था तो सेल्स के रूप में हमने इसको आउटपुट टैक्स ही दिया था, और हम रिवर्स के टाइम में भी हम आउटपुट CGST और SGST को ही एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल एडजस्ट बन चुका है। अब प्रोवाइड GST डिटेल में हम इसको यस करेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे सेल्स रिटर्न के ऑप्शन को, यानी कि लिस्ट ऑफ रीज़न, आपने जो क्रेडिट नोट इशू किया है उसका रीज़न क्या है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स रिटर्न का, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे बायर्स डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी होता है, लेकिन बायर्स ने हमें कोई भी इशू नहीं किया डेबिट नोट, क्योंकि हमें सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट इशू करना होता है। जो पार्टी ने सेल्स इनवॉइस किया है वही पार्टी क्रेडिट नोट ही इशू करेगी। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और एंटर प्रेस करके इसको हम सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने ये GST सेल्स रिटर्न का वाउचर तैयार होता है क्रेडिट नोट वाउचर में। और अब हम बात करेंगे, अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को या किसी भी कस्टमर को एक सेल्स प्रमोशन के लिए इंसेंटिव या बोनस के रूप में जो वाउचर बनता है, वो वाउचर हमारा क्रेडिट नोट वाउचर ही बनता है, लेकिन वो वाउचर एक इनवॉइस मोड में नहीं बनता। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे एज ए वाउचर। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने एक इनवॉइस मोड में शो हो रहा है, जिस तरीके से हम सेल्स इनवॉइस तैयार करते हैं सेम वही फॉर्मेट हमारे सामने शो हो रहा है, लेकिन जब हम किसी रूप इंसेंटिव अगर हम दे रहे हैं तो उसके लिए हम एज ए वाउचर यूज़ करेंगे। वाउचर क्रेडिट नोट ही होगा, लेकिन इसको फॉर्मेट इसका यहाँ से चेंज करेंगे। जो एज वाउचर हमें शो हो रहा है, अब इसको हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा एज ए इनवॉइस, और इसका जो मोड है इस तरीके से आ जाएगा। अब हमारा ये सेल्स रिटर्न का वाउचर नहीं है, तो इंसेंटिव के लिए तो हम इसको एक नंबर इनवॉइस भी हम दे सकते हैं। अब किसी इनवॉइस के अगेंस्ट हमको कोई डिस्काउंट नहीं देना, तो हम मान लीजिए हमने मुकेश कुमार को कोई प्रोडक्ट सेल किए थे इंसेंटिव बेसिस पे, जैसे हम किसी कंपनी में एक टारगेट होता है भी आप इतने प्रोडक्ट अगर आप सेल करोगे तो हम आपको इतने रुपए का डिस्काउंट देंगे या इतने रुपए का आपको इंसेंटिव देंगे या बोनस देंगे। अब मान लीजिए भी हमने भी मुकेश कुमार को एक टारगेट दिया था भी अगर आप हमारे प्रोडक्ट सेल करोगे तो हम आपको 100 रुपये का इंसेंटिव देंगे, और वो टारगेट मुकेश कुमार ने अचीव भी कर लिया है, तो उस कंडीशन में हम एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे। मान लीजिए उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट था या 100 रुपये का इंसेंटिव था, तो हम यहाँ पे अमाउंट में टाइप करेंगे 100 रुपीज़, और क्रेडिट तो हम करेंगे मुकेश कुमार को, और डेबिट किसको करेंगे, तो अब हमारे लिए एक तरीके का ये खर्चा है, तो हम इसको एक इंसेंटिव के नाम से एक अलग से लेज़र क्रिएट करेंगे। तो आप इंसेंटिव या बोनस के नाम से कर सकते हो या सेल्स प्रमोशन के नाम से एक भी लेज़र क्रिएट कर सकते हो। मैं इंसेंटिव के नाम से सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंसेंटिव ओबलिंग बोन्स इकट्ठा ही मैं बना देता हूँ, बोन्स एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारे लिए एक खर्चा है और ये खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इनडायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। और ये किसी GST इनवॉइस के अगेंस्ट में नहीं है, तो हम इसको GST यहाँ से नोट एप्लीकेबल रखेंगे और इंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। यानी कि मुकेश कुमार अकाउंट तो हमारा
क्रेडिट रहेगा और इंसेंटिव बोनस या किसी आपने जो स्कीम के अगेंस्ट कोई भी एक लेजर क्रिएट किया है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, तो आप उसको डेबिट करोगे। अब यहाँ पर हम इसको नरेशन टाइप कर सकते हैं, अभी इसने हमारा किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में ये टारगेट था वो अचीव किया है। मान लीजिए हमने इसको एलईडी बल्ब का टारगेट दिया था, हम टाइप कर देंगे भी एलईडी बल्ब टारगेट अचीव, और एंटर इंटरेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये क्रेडिट नोट वाउचर इश्यू होता है किसी भी सेल्स प्रमोशन के लिए, इंसेंटिव के लिए। अगर हम किसी टाइप का अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा या तो कैश डिस्काउंट होएगा या हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हम किसी इनवॉइस में ही उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, और कैश डिस्काउंट का मतलब जब हमें वो नगद रूप में अगर पैसा दे रहा है, जब वो नगद में छूट करवाता है तो वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।